फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं सर्जरी के बाद कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाए ताकि जो पेशेंट में दिक्कतें हैं उसको कम किया जा सके। तो देखिए, होम्योपैथी का लिमिटेशन है कि इरिवर्सिबल चेंज को रिवर्स नहीं कर पाती, यानी बॉडी में दो टाइप के चेंज हैं, एक रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब इस तरह से है कि जो भी चेंज हुआ है उसको वापस कंडीशन में लाया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। और इरिवर्सिबल चेंज यानी उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो इस यही पे सर्जरी की जरूरत है। और रिवर्सिबल चेंज है जिसमें होम्योपैथी बेहतरीन तरीके से काम करती है। तो लिमिटेशन है कि हम लोग मेडिसिन तभी तक अप्लाई करते हैं जब उसमें रिवर्सिबल चेंज है और वो रिवर्स हो सकता है। अगर इरिवर्सिबल चेंज आ गया तो आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। और सर्जरी एलोपैथी का सबसे बेहतर टूल है ट्रीटमेंट का। तो इस तरह से देखिए, हर एक केस होम्योपैथी से ठीक नहीं किए जा सकते। हर एक केस होम्योपैथी को के डोमेन में नहीं आते हैं। तो कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन को अगर कंसीडर किया जाए तो कुछ डिजीज सर्जिकल होती हैं। तो जब भी सर्जरी होती है तो किसी एक पार्ट को, किसी एक कंपोनेंट को बॉडी से काट के बाहर निकाला जाता है, और उस निकालने की कंडीशन के बाद कटिंग पेन होगा, अत्यधिक पेन होगा, पेन किलर देने के बावजूद मच कटिंग पेन, और ग्रेट प्रोस्टेशन, एकदम थकान लगी गई पेशेंट को, एकदम थक जाएगा, लस्ट हो जाएगा पेशेंट। तो ग्रेट प्रोस्टेशन होगा और पूरी बॉडी ठंडा जैसी हो जाएगी, कोल्डनेस आएगी। और उसके साथ साथ जहां पे सर्जरी हुई है वहां से ब्लड भी निकलेगा, और ब्लड निकलेगा और चूंकि पूरी बॉडी ठंडी है तो सांस भी कैसे आने लगेगी, ठंडी आने लगेगी। तो इस तरह से कॉमन सिम्टम्स आते हैं प्रोस्टेशन के, कोल्डनेस के, पूरे बॉडी में सर्जरी के बाद। तो अगर आपको देखा जाए तो ये सब सिम्टम्स बहुत अच्छे से मैच करते हैं कार्बोबेस से। मेडिसिन क्या है? कार्बोबेस। लेकिन कार्बोबेस इन सिम्टम्स से मैच करने के बावजूद अच्छे से काम नहीं करती। तो इस कार्बोबेस को नहीं देना है, इसको नहीं देना है। होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन है जो कि इस कंडीशन में अच्छे से काम करती है, यानी जहां पे कट लगाया गया वहां पे भयानक पेन हो, एकदम थकान लगी हुई है, प्रोस्टेशन हो, और उसके साथ साथ जहां से कट लगा है वहां से ब्लड निकल रहा हो, सांस भी ठंडी चल रही हो, तब उस अवस्था में होम्योपैथी की अल्टीमेट मेडिसिन है स्ट्रॉन्शियम कार्ब 30 पावर की 4 बूंद 3 टाइम डायरेक्ट जीभ पर दीजिए। 5 से 7 घंटे में पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं, जैसे पूरी बॉडी जो ठंडी हो गई है, ओजिंग ऑफ ब्लड और एक कोल्ड ब्रेथ, कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। जिस मोमेंट से आप उसकी जीभ पर स्ट्रॉन्शियम कार्ब गिराएंगे उसी मोमेंट से उसको आराम होना शुरू हो जाएगा। होम्योपैथी कितना जल्दी काम करती है इस मेडिसिन को अप्लाई करके आप देख सकते हैं। तो किसी को भी XYZ कोई भी सर्जरी करवाता है कभी, तो आप इस दवा को उसको सलाह जरूर दें देने के लिए, क्योंकि उसकी जो सफरिंग है उसको कम किया जा सकता है। तो इस तरह से स्ट्रॉन्शियम कार्ब बेहतरीन मेडिसिन है जो कि सर्जरी के बाद अच्छा बेहतरीन सर्जन जानता है कि इसको स्ट्रॉन्शियम कार्ब की जरूरत है। एलोपैथिक सर्जन भी यूज करते हैं इसको, स्ट्रॉन्शियम कार्ब को। तो इस तरह से आप
इस जानकारी को दूसरों को भी बताएं। बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।